शक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय। जयकारा श्री रवानी दा बोल साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भावों को हमने इस भजन के माध्यम से श्रवण किया। आइए आज के कथा प्रसंग को श्रवण करने से पूर्व हम एक और सुंदर सी भेंट को श्रवण करते हैं, और जिसके लिए हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे मध्य में उपस्थित सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी श्री हितेंद्रानंद जी से कि वह एक सुंदर सी माँ की भेंट को हम सभी के समक्ष रखें। तो आइए महामाई के श्री चरणों में हम अपनी हाजिरी को लगाते हुए बुलंद जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी की। देखिए ऐसे तो बात नहीं बनेगी, आज अंतिम दिवस है ना, कल से आपको यहाँ पर कोई नहीं कहेगा। आप माँ का जयकारा लगाइए, आप अपने हाथों को ऊपर कीजिए, आज अंतिम अवसर है आपके पास, इसीलिए बुलंद जयघोष सभी ने माँ के श्री चरणों में अर्पित करना है, अपनी हाजिरी को लगाना है। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय। जयकारा और शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय ऐसी सत्पुरु रूपिणी माँ
जो सबका कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहती है, उन आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ। श्रवण कर रहे हैं वो भी हमारे जीवन को प्रकाशित करने आई है। और भक्तों, जिस प्रकार जब सूर्य देव का उदय इस धरा धाम पर होता है तो हर प्रातः काल रात्रि का अंत होता है और नया सवेरा चढ़ जाता है, जैसे ही वो सूर्य देव अपना रुख बदलते हैं, उनकी गति बदलती है, तो सर्द ऋतु जो जड़ कर देती है प्रकृति को, वो एकाएक परिवर्तित होती है और बसंत का आगमन होता है। जैसे ही सूर्य देव चढ़ जाते हैं, ऊंचे उठते हैं, तो चारों ओर वो लोग जो सो रहे थे वो एकाएक जागृत अवस्था में आ जाते हैं, सृष्टि के सारे कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब एक मानव के जीवन में भगवती नाम का सूर्य उदय होता है, जब वो प्रकाश स्वरूपा भगवती उसके जीवन में आती है, तो उसका जीवन भी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने जब उस भगवती के चरणों में प्रार्थना रखी तो समस्त मानव जाति को एक ऐसी प्रार्थना दे दी, उसे प्रेरित किया कि जब भी माँ के श्री चरणों में नत हो तो यही प्रार्थना करो, अस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मा अमृतं गमे। अस्तो माँ सद्गमे, हे माँ हमें असत से सत की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, हमें तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्युर्मा अमृतं गमे, हे मां हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अमृतत्व का वरदान प्रदान करो। हम इस प्रार्थना को जब गाते हैं तो भक्तों यही मांगते हैं उस जगत जननी से कि हमारे जीवन में वो उस प्रकाश को, उस अमृतत्व को वो हमें प्रदान करे, हमारे भीतर पनपने वाले समस्त विकारों के अंधकार से हमें मुक्त करें। और वो जगत जननी अपनी विभिन्न लीलाओं के माध्यम से हमें बार बार वो मार्ग दिखा रही है जिससे हमारा कलुषित मन पवित्र हो सकता है, जिससे हमारे समाज में, हमारे विश्व में पनपने वाला अंधकार जो है वो खत्म हो सकता है, जिससे इस कलिकाल की कालिमा का अंत हो, एक नवीन युग का प्रारंभ हो सकता है। परंतु भक्तों, हम यदि इन कथाओं को केवल सुनने तक सीमित रखेंगे तो जिस प्रकार
सिर्फ प्रकाश 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 ये जाप करते रहने से प्रकाश नहीं हो जाता, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में और हमारे समाज में प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए वो पथ दिखाने आई है, वो पथ पर चलाने का भी आश्वासन दे रही है, परंतु कदम तो हमें ही उठाने हैं। और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उसी कदम को उठाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि वो जो माता है वो हमारे एक कदम की प्रतीक्षा करती है। मानव एक कदम उठाता है और वो 100 कदम चलकर आ जाती है। वो 100 कदम चलने के लिए तैयार है, लेकिन भक्तों हमारा एक कदम ही नहीं उठ पाता, समस्या यह है। इसलिए वो हमें विभिन्न कथानकों के माध्यम से और समस्त शास्त्रों के माध्यम से बार बार प्रेरित कर रहे हैं। और जब नवरात्रि आते हैं तो माँ के जिन 9 रूपों की हम पूजा करते हैं, वो 9 रूप वास्तव में केवल उनके बाहरी आकार मात्र नहीं हैं, वो 9 सोपान हैं जिन्हें माँ हमें तय करने के लिए प्रेरित कर रही है। वो 9 सोपान जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है, प्रथमं शैलपुत्री च। पहला नवरात्रा उस पे हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। क्या समझते हैं उनकी पूजा, उनकी वंदना इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों विशेष है? शैलपुत्री, शैलसुता, जो पर्वत की पुत्री है, माता पार्वती को कहा गया, जो पर्वत की पुत्री है उन्हें शैलपुत्री कहा गया। और पर्वत का गुण होता है दृढ़ता। बड़े बड़े तूफान आते हैं, वृक्षों को तहस नहस कर देते हैं, वनों को खत्म कर देते हैं, लेकिन वो पर्वत स्थिर खड़े रहते हैं। ये शैल सुता जो है वो दृढ़ संकल्प का द्योतक है। उस दृढ़ संकल्प को धारण कर जब एक मनुष्य इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है तो फिर उसके जीवन में उत्कर्ष यात्रा का प्रारंभ होता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा रूप माँ का मानव को प्रेरित करता है कि तुम उस ब्रह्म का स्वरूप हो, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ब्रह्ममय आचरण करो, ब्रह्ममय स्थित हो जाओ, ब्रह्म में स्थित होकर उसी को, उसी का संकल्प धारण करो, उसी के अनुरूप कार्य करो। तृतीयम चंद्र घंटेति, अब जब आप निरंतर ब्रह्म का आचरण करेंगे तो चंद्र घंटा, एक ओर चंद्र है और दूसरी ओर घंटा है, जानते हैं किसका द्योतक है? चंद्र शीतलता का प्रतीक है और घंटा नाद का प्रतीक है। घंटा अर्थात वह नाद जो भगवान ने हम सबको प्रदान किया है, वो वाणी, वो वाणी एक शीतलता को प्राप्त करती है जब मानव ब्रह्म में अपने आप को स्थित कर लेता है। और एक साधक जब इस उत्कर्ष पथ पर बढ़ता है तो न केवल उसकी वाणी पवित्र होती है, उसकी वाणी में निर्मलता और शुद्धता आती है। ऐसा नहीं है बाहर से मीठा मीठा बोलता है, उसका मन भी पवित्र और शीतल हो जाता है। यूं मन और वचन में एकता स्थापित हो जाती है। और उसी शक्ति को धारण कर जब वो निरंतर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है तो फिर कुष्मांडा की तरह, चूंकि हम चौथे नवरात्रे पे पूजा करते हैं, वो कुष्मांडा की तरह इस संपूर्ण माँ कुष्मांडा का गुण है कि वो संपूर्ण सृष्टि को अपने उदर में बीज रूप में पोषित करती है। उसके भीतर भी इस संपूर्ण सृष्टि के लिए वो संवेदना जो है वो अपने अंतस्त में उसे पोषित करता है। और उसे पोषित कर फिर पंचम नवरात्रे पर हम माँ स्कंद माता का वंदन करते हैं। माँ स्कंद माता ने एक हाथ में स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को धारण किया है और वो उसको वत्सल्यता से देख रही है। जो माता स्कंद माता जो है वो हमारे जीवन में उस वत्सल्यता का उदय कर देती है, उस कंपैशन का उदय कर देती है, वो करुणा जो सबके लिए निष्काम भाव से प्रवाहित होती है, वो मोह को परिवर्तित कर मानव के भीतर करुणा का स्पंदन कर देती हैं। और उसके बाद पूजा होती है माता महाकाली की। वह महाकाली जो प्रकट हो
मानव के अस्तित्व में गहरे पड़े समस्त जो अनैतिकता के बीज हैं उन्हें समूल नाश कर देती है और उसके भीतर शौर्य बन प्रकट होती है, विश्व का रूपांतरण भी कर देती है। उसके बाद उसका चरित्र जो है वह महागौरी की तरह, जैसे माता महागौरी गौर वर्ण की हैं, उनका गौर वर्ण शुद्ध चरित्र का द्योतक है। और जब ये सारे सोपान एक मनुष्य तय कर लेता है तो नवम नवरात्रि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है माता सिद्धिदात्री। और सिद्धियां केवल भौतिक जगत की प्राप्ति नहीं, भौतिक जगत की सिद्धियों की प्राप्ति नहीं, अपितु उस परम सिद्धि, उस परम लक्ष्य की प्राप्ति माता सहज ही अपने संतान को करवा देती हैं। और हमारा भी जीवन तभी सफल होगा भक्तों, जब हम नौ नवरात्रों की देवियों की पूजा के साथ हम अपने जीवन में इन सोपानों को भी तय कर लें, ताकि हमारे जीवन में भी वो परम सिद्धि आ जाए। इसीलिए ये कथा हमें प्रेरित कर रही है। लेकिन भक्तों, हमने गत दिवसों में बहुत से लीला चरित्र सुने, लेकिन अभी कुछ अंतिम स्कंद शेष है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के, जिसमें वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को कुछ ऐसी मुख्य बातों की ओर प्रेरित कर रहे हैं, उनके संदर्भ में बता रहे हैं, जिन्हें हमें भी जानना बहुत आवश्यक है। इसे भक्तों चलिए बढ़ते हैं आज के उस प्रश्न की ओर, जिस प्रश्न को पूछा था राजा जन्मेजय ने वेद व्यास जी से। हमने भी उस प्रश्न को श्रवण करना है और उस प्रश्न के साथ हम आज के कथा प्रसंग की ओर बढ़ेंगे, जानेंगे कि आज वो क्या है जिसके बारे में जिज्ञासा रख रहे हैं राजा जन्मेजय। वेद व्यास जी के समक्ष कौन सी गाथा को सुनना चाहते हैं? चल सुता किमर्थं गगनं स्पृशं कोसो विन्ध्य चल सुता किमर्थं गगनं स्पृशं चरणों में बैठे हैं और वह प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाभाग, आपके मुखारविंद मैंने माँ के विविध स्वरूपों की गाथा को श्रवण किया और आपके मुख से मैंने माँ के विंध्य वासिनी स्वरूप का नाम सुना था। ये माता का विंध्य वासिनी स्वरूप क्या है, आप उन विंध्य वासिनी माँ के संदर्भ में मुझे बताइए। ये माता विंध्य वासिनी कौन है और क्या उनका संबंध विंध्याचल पर्वत के साथ है? आप उनकी संपूर्ण गाथा विस्तृत रूप से मेरे समक्ष रखिए। जैसे ही वेदव्यास जी ने यह सुना तो दसम स्कंद में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं माँ विंध्यवासिनी का। वह कहते हैं पूर्व काल में एक बार जब मनु को प्रजापति का पद प्रदान किया गया तो उस समय वह मनु जो थे वह माँ भगवती के तप में आराधन में निरंतर निमग्न रहते थे।
माँ की ही आज्ञाओं को प्राप्त कर उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को उनके अलग अलग तंत्रों को विधिवत नियमों में बांध दिया। और जब सारा कार्य संपन्न हुआ तो उस समय वह माता के ध्यान में बैठ गए, माता का चिंतन कर रहे हैं और माँ के चरणों में यही प्रार्थना रख रहे हैं कि हे माँ, आपकी प्रेरणाओं के माध्यम से, आपकी कृपा से मैंने विधिवत इस संपूर्ण सृष्टि को, इसके तंत्रों को नियमों में बांध दिया है, अनुशासित कर दिया है, परंतु माँ इन्हें संपूर्णता तो केवल आप ही प्रदान कर सकती है। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं एक एक नियम को सुनियोजित कर लूं, मुझसे अवश्य ही त्रुटियां रह सकती हैं माँ, परंतु आप ही अपनी संपूर्ण सृष्टि को सुनियोजित कर दीजिए। इन नियमों को एक बार फिर पुनः इनका अवलोकन कर इनको पूर्णता प्रदान कर दीजिए। जब उनके ऐसे निष्काम भावों को माने देखा तो उनके अंतर्घट में ही आज माने उन्हें दर्शन दिए, अत्यंत प्रसन्न है और कहती है, मनु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत निष्काम भाव से अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है और निरंतर यूं ही अपने हर कर्तव्य का अनुपालन करना, इस सृष्टि के कार्य भार को तुम्हें सौंपा है, इस सृष्टि के समस्त कर्मों को तुमने निरंतर सुनियोजित करते रहना है। आज माता इतनी प्रसन्न है मनु से कि मनु को कहती है, मनु बताओ मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहती हूँ, बताओ तुम कौन सा वरदान मुझसे प्राप्त करना चाहते हो। आज जैसे ही मनु ने यह सुना, मनु कहने लगे, माँ मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आपने तो मुझे सब कुछ प्रदान किया है, आपने तो सदैव मेरा साथ दिया है, आपकी कृपा से ही तो मैं अपना हर कार्य करता हूँ, मैं क्या वरदान आपसे मांगूं। लेकिन माता कहती है, नहीं मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझसे वरदान मांगो। उस समय मनु जो है वो प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि माँ यदि आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो आज मुझे ये वरदान दीजिए कि मैंने इस सृष्टि के सभी तंत्रों को सुनियोजित तो किया है, परंतु फिर भी मुझे स्वयं पर इतना विश्वास नहीं है जितना विश्वास आप पर है। आप मुझे वरदान दीजिए कि यदि कभी आने वाले समय में आपकी बनाई हुई कोई कृति इन नियमों को भंग करने लगे, इन नियमों के विपरीत जाने लगे, तो आप स्वयं आएंगी उनको सुपथ दिखाने, आप स्वयं आएंगी उनका मार्गदर्शन करने। जब ऐसा निष्काम भाव माने देखा वो अत्यंत प्रसन्न है मनु पर, उन्हें वरदान देती है, तथास्तु कहती है और बहुत आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्धान हो जाती है। आज मनु को जब ये वरदान मिल गया तो बहुत प्रसन्न है, निश्चिंत है, किसी प्रकार की कोई चिंता उन्हें अब नहीं, वह निरंतर अपने कर्तव्यों का अनुपालन कर रहे हैं, समस्त प्रजावासियों को उन नियमों पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके जीवन को अनुशासित बनाने के लिए उन्हें प्रेरणाएं प्रदान कर रहे हैं और यूं ही सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। समय व्यतीत हुआ, काल चक्र आगे प्रवाहित हो गया और एक समय आया जब विंध्याचल, जिस पर स्वयं माता ने आकार प्राप्त किया था, माँ स्वयं स्थित हुई थी और यूं उस विंध्याचल की ख्याति दूर दूर तक विख्यात हो गई थी, वह विंध्याचल जहाँ पर माँ ने विंध्यवासिनी रूप धारण किया था, शुंभ निशुंभ और महिषासुर के वध के उपरांत तब वह वहां पहुंची थी और विंध्याचल को उन्होंने ख्याति प्रदान की थी। वह विंध्याचल, उस विंध्याचल का वह भी अत्यंत प्रसन्न था माँ की उस कृपा को प्राप्त कर, परंतु उस विंध्याचल के मन में कर्ता भाव पनपने लगा, उसे लगने लगा कि मैं बहुत विशेष हूँ। और जब उसके ऐसे भावों को जगत जननी ने जाना तो आज जगत जननी ने अपने वचन के अनुरूप अपनी सृष्टि का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी लीला का विस्तार किया। आज माने नारद मुनि को बुलाया और उन्हें कहा, जाओ नारद तुम्हें मेरा ये कार्य करना है। उस विंध्याचल के मन में जो अहंकार के भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं
अब उनका दलन हमें करना है और तुम्हें मेरी इस लीला में सहयोग देना है। आज माँ ने नारद मुनि को आदेश दिया और नारद मुनि चल पड़े। सृष्टि का भ्रमण करते करते पहुंच गए विंध्य पर्वत पर। जैसे ही राजा विंध्याचल को ये पता चला कि उनके उस पर्वत क्षेत्र में नारद मुनि आए हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम कर उनका आतिथ्य सत्कार उनकी सेवा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। आज कहने लगते हैं, नारद मुनि बताइए मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं, कौन सी गुफा आपको प्रदान करूं जहां पर बैठकर आप तप कर सकते हैं। मेरे यहां पर बहुत सुंदर क्षेत्र है, बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, आप उनमें चिरकाल तक बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आज जब वह अपनी गुफाओं का और अपने क्षेत्र का महिमा गान कर रहे थे, तब नारद मुनि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विंध्याचल मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं तो अपने तप को उस श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत पर पूर्ण करके आ रहा हूँ। जानते हो विंध्य, वह समस्त देव जब उन्हें तप करना होता है तो वो उस सुमेरु पर ही तप करते हैं, और वह सूर्य देव वो भी उस सुमेरु की ही परिक्रमा करते हैं। यूं मैं तो अपना तप पूर्ण करके आ गया हूँ, मार्ग से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा भी हाल पूछता चलूं। अब तुम्हारा कुशल मंगल जान लिया है तो मैं चलता हूँ विंध्य, अब मेरे जाने का समय आ गया है। और यूं नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु नारद मुनि तो वहां से चले गए भक्तों, लेकिन इधर वो जो विंध्य थे, जिसे बड़ा अभिमान था अपने उस क्षेत्र पर, जिसे बड़ा अभिमान था अपनी उपलब्धि पर, अब उसके जहन में वो एक एक शब्द जो नारद मुनि ने कहा था, जो सुमेरु की प्रशंसा की थी, उन प्रशंसा के शब्दों ने आज उसके मन में ईर्ष्या को पैदा कर दिया। वो सोचने लगा, माँ विंध्यवासिनी ने तो मुझ पर आकार लिया था, मुझे सारे विश्व में ख्याति प्रदान की थी, मुझे इतना संपन्न बनाया, फिर वो सूर्य देव उस सुमेरु की परिक्रमा क्यों करते हैं, वो देव उस सुमेरु पे जाकर वो तप क्यों करते हैं, मेरे पास भी तो इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, आखिर ऐसा पक्षपात क्यों, क्यों मेरे साथ ये पक्षपात किया जा रहा है। लगता है वो देव भूल गए हैं विंध्य की ख्याति को, लगता है उन सूर्य देव को भी अब भान नहीं रहा कि वो सुमेरु की परिक्रमा कर रहे हैं, अब उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इन सभी देव जो आज पक्षपात करने लगे हैं, अपने देवत्व से गिर रहे हैं, उन्हें मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और अब विंध्य ने सोचा कि उस सुमेरु के अहंकार को भंग करने के लिए मैं अपने शिखरों को इतना ऊंचा उठा लूंगा कि कल प्रातः काल वो सूर्य देव उदित ही नहीं हो पाएंगे, ना होंगे उदित और ना ही हो पाएगी सुमेरु की परिक्रमा, और तब ये सारी सृष्टि जान जाएगी कि किस प्रकार इनके पक्षपात का फल यह सूर्य की परिक्रमा पर रुकना है। ये सारी सृष्टि को सबक मिल जाएगा और मेरी श्रेष्ठता वह भी सिद्ध हो जाएगी, मेरा निस्वार्थ भाव इस सृष्टि के कल्याण के लिए वह भी प्रकट हो जाएगा। आज यही सोचकर रात्रि के उस अंधकार में ही विंध्याचल ने अपने शिखरों को बहुत ऊंचा कर लिया, उत्तुंग शिखरों को आज प्रकट कर दिया। और जब अगले दिन सवेरा होना था, सूर्य देव उदय होने के लिए आगे बढ़े, तो आज सुमे उस विंध्याचल की उत्तुंग शिखरों ने सूर्य देव का मार्ग रोक दिया। जैसे ही सूर्य देव का मार्ग अवरुद्ध हुआ, तो अब क्या हुआ, संपूर्ण धरा पर एक असंतुलन पैदा हो गया। पृथ्वी का एक भाग जो था वह तो उस सूर्य की अग्नि में तपने लगा, जलने लगा, वहां के लोग तो उस प्रचंड सूर्य की अग्नि में झुलसने लगे, वहीं एक दूसरा भाग जो था वहां पर अंधकार छा गया। अंधकार इतना बढ़ गया कि अब वहां के लोग भी त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि सवेरा हो ही नहीं रहा। उनकी समस्त क्रिया, वहां की समस्त वनस्पतियां जो थी, वहां के सब जो जीव थे, वो त्रस्त होने लगे और सृष्टि पर एक संकट आ गया। विंध्य सोच रहा है कि मैं सृष्टि के कल्याण के लिए
अपनी निष्काम भावना को प्रकट कर रहा हूँ, परंतु आज वो अपने अभिमान में इतना चूर हो गया है, उस ईर्ष्या के इतना वशीभूत हो गया है कि उसने स्वयं ही सृष्टि को संकट में डाल दिया। और उस समय जब सृष्टि पर ऐसा विपत्ति काल आया तो वो समस्त देव पहुंच गए माता के शुभ चरणों में। जगत जननी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ आज ये कैसी लीला कर रही है, देखिए ना माँ, उस विंध्याचल ने जिस पर आपने इतना उपकार किया, जिसके जिस पर आपके आपके अवतरण के कारण जिसकी ख्याति दूर दूर तक विख्यात हुई, आज उस विंध्याचल ने क्या कर दिया है, आज उसने अपने शिखरों को इतना ऊंचा कर लिया कि सूर्य के मार्ग को ही रोक दिया और चारों ओर असंतुलन हो गया है। माँ अब क्या करें, कैसे इस विपत्ति काल में सृष्टि की रक्षा होगी। माता मुस्कुराने लगी, माँ ने कहा जाओ इस संकट का निवारण मेरे परम भक्त अगस्त्य मुनि करेंगे, जाओ काशी प्रदेश में जाओ और जाकर उन्हें बताओ कि जगत जननी की आज्ञा है, उन्होंने विंध्याचल पर चढ़ाई करनी है। आज जैसे ही आज्ञा प्राप्त की, सभी जो देव थे वो पहुंच गए काशी नगरी। काशी नगरी में एक एक कुटीर में खोज रहे हैं, अगस्त्य मुनि को खोज रहे हैं, करते करते दूर एक कुटीर में उन्हें अगस्त्य मुनि मिलते हैं। अगस्त्य मुनि माता के ध्यान में निमग्न हैं। और आज जैसे ही अगस्त्य मुनि के समक्ष उन देवों ने वह समस्त सृष्टि का हाल रखा और उन्हें बताया कि माता ने उन्हें उनका चयन किया है, उन्हें आज्ञा दी है उस विंध्याचल पर चढ़ाई करने की, तो आज अगस्त्य मुनि माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और वो बढ़ चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर, उस दिशा की ओर जहाँ पर विंध्याचल स्थित था। चलते चले जा रहे हैं, बहुत लंबी यात्रा को तय करते हैं और यात्रा करते करते जब वो विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचते हैं, जैसे ही अपना प्रथम पग उस विंध्याचल पर रखते हैं तो कथा बताती है कि उनका प्रथम पग प्राप्त करते ही विंध्याचल पिघल जाता है। बहुत सुंदर रूपक वेद व्यास जी ने प्रयोग किया, अगस्त्य मुनि के चरण पड़ते ही विंध्याचल कैसे पिघल गया भक्तों। आज जैसे ही अगस्त्य मुनि के चरण पड़े तो वो विंध्याचल, जिसके मन में ये सोच थी, जो सोचता था कि मैं बहुत धर्मज्ञ हूँ, मेरे भीतर बहुत श्रेष्ठ भक्ति का भाव है, जैसे उसे सूचना मिलती है कि आज उसके पर्वत क्षेत्र में अगस्त्य मुनि आए हैं, तो उनके चरणों में नत होने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए राजा विंध्य वहां पर पहुंच जाते हैं। और राजा विंध्य उनके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, मुनि अगस्त्य बताइए मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं, किस प्रकार से आपका आतिथ्य करूं, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। आज विंध्याचल जो है मुनि अगस्त्य के चरणों में स्थित है और उधर मुनि अगस्त्य कहते हैं, वत्स वत्स मैं तो यहाँ दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए आया हूँ। उस दक्षिण दिशा में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने लगे हैं। आज उन्होंने अपने अहंकार के शिखरों को इतना ऊंचा उठा दिया है कि उन्होंने सृष्टि के क्रम को ही अवरुद्ध कर दिया है। वत्स मैं तो उनके अहंकार का मर्दन करने के लिए आगे बढ़ा हूँ, उनके अहंकार के शिखरों पर मैंने चढ़ाई करनी है। परंतु विंध्य तुम तो बहुत विशेष कार्य में संलग्न हो, मैंने सुना है तुम अपने निष्काम भाव को प्रकट कर इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए तुमने सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। तुम्हारे शिखर तो बहुत ऊंचे हैं और मैं कृशकाय, मैं वृद्ध, मैं किस प्रकार से तुम्हारे शिखरों को की चढ़ाई करूं, किस प्रकार से तुम्हारे शिखरों से ऊपर चढ़कर उस दक्षिण दिशा की ओर जाऊं, क्या करूं मैं, तुमने तो इतना विशेष कार्य हाथों में लिया है। आज जैसे जैसे अगस्त्य मुनि बोल रहे हैं, उनके शब्द तो कुछ और हैं, लेकिन आज उनके शब्दों की गहराई जो है वो विंध्य के अहंकार के शिखरों को, जो उसके अंतस्थ में पनप रहे हैं, उन शिखरों पर चढ़ाई करते जा रहे हैं। आज वो अहंकार के शिखर जो उसके भीतर है वह पिघलते जा रहे हैं, क्योंकि उसे ये एहसास होने लगता है, उसे ये एहसास हो जाता है
कि वह किसी दक्षिण दिशा के लोगों का अहंकार भंग करने के लिए नहीं आए, वह उनके अहंकार के शिखरों पर चढ़ाई करने के लिए नहीं आए, अपितु वह तो मेरे अहंकार के शिखरों पर चढ़ाई कर रहे हैं। उसे एहसास होता है, मैं क्या सोचता था कि मैं इस सृष्टि का कल्याण कर रहा हूँ अपने शिखरों को ऊंचा करके। आज उसे उसकी वो मूर्छा जो है वो टूटती है, उसका अहंकार जो है वो भंग होता है, उसे एकाएक एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया अपने अहंकार में, क्या कर दिया मैंने अपनी मूर्ता में। जिस माता ने इस सृष्टि को बनाया, जिस माता ने मुझ पर कृपा की, मुझे इतनी ख्याति प्रदान की, क्या मैं उसकी सृष्टि को कुछ सिखा सकता हूँ? कदापि नहीं। क्या मैं सृष्टि के क्रम को संतुलित कर सकता हूँ? कदापि नहीं। मैंने तो अपने ही सुअवसर पर अपने जीवन के शुभ जो सौभाग्य नहीं सुना है, माने काली रूप धारण किया था उस अहंकार का वर्धन करने के लिए, उस धरा को अंधकार से मुक्त करने के लिए। जब माने काली रूप धारण किया उस समय क्या स्थिति थी? आइए भक्तों, उस लीला को भी अब श्रवण करने का समय है। हम रोज आते हैं और माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता महाकाली का ये दिव्य मंदिर है, ये सिद्ध पीठ है, जहां पर माँ ने स्वयं हमें दर्शन प्रदान किए हैं। परंतु माता ने काली रूप कब धारण किया था और क्यों उन्हें काली रूप धारण करना पड़ा? बात उस समय की है जब इस धरा धाम पर दो दैत्य शुंभ और निशुंभ का आधिपत्य कायम था। वो दोनों बहुत ही व्यभिचारी थे, बहुत ही आतंकी थे, चारों ओर उनके आतंक का विस्तार था। जहां कहीं भी वो रूप और सौंदर्य से युक्त किसी भी स्त्री को देखते, उसका अपहरण करते, उसका भोग करते और उसे मृत्यु के घाट उतार देते। और यूं उनके पूरे साम्राज्य में चारों ओर विध्वंस और आतंक का ही वातावरण था। व्यसनों की दुकानें खोल दी थी, हर ओर द्वंद्व पनप रहा था। उस समय देवों ने माँ के चरणों में पुकार की और तब माँ ने अंबिका रूप धारण किया। एक सुंदर अंबिका रूप धारण कर माँ सिंह के आसन पर आरूढ़ होकर श्रृंगवेर पर्वत पर स्थित हो गई। श्रृंगवेर पर्वत पर जब माँ स्थित हुई तो आज उन शुंभ और निशुंभ को अपने प्रकट होने की सूचना देने के लिए आज माँ ने अपने अधरों से बांसुरी को लगा दिया। आज बांसुरी से वहां पर ऐसा दिव्य नाद छेड़ा कि चारों दिशाओं में हर एक व्यक्ति जो था वो मंत्रमुग्ध हो गया। वो मंत्रमुग्ध है उस स्वर को सुनकर, और उस स्वर की ध्वनि जो थी वो शुंभ निशुंभ के पास भी पहुंच गई। शुंभ निशुंभ भी उस स्वर को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। और तभी जब माँ उस श्रृंगवेर पर्वत पर स्थित होकर बांसुरी का बजा रही थी, तभी उस बांसुरी के स्वर को चंड और मुंड जो शुंभ और निशुंभ के ही दैत्य थे, उन्होंने उस स्वर को सुना। चंड और मुंड ने जैसे ही वो स्वर सुना, उस स्थान की ओर आगे बढ़े और आज अपने समक्ष जब उस दृश्य को देखा तो वो दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा अत्यंत दिव्य सुंदरी है, ये इतने सुंदर रूप है, कोमलांगी है, इतने सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हैं, दिव्य श्रृंगार को धारण किया है और इतना सुंदर बांसुरी का स्वर छेड़ रही है। उन दोनों ने मन ही मन ठान ली कि यह इसका वरण तो हमारे राजा शुंभ और निशुंभ को करना चाहिए। यही सोचकर वो द्रुत गति से राजमहल की ओर बढ़े और अपने स्वामी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, स्वामी स्वामी शुंभ और निशुंभ, जिसके इस सुंदर स्वर को सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, यदि उसे देख लेंगे तो उसका वरण किए बिना नहीं रह पाएंगे। वो अत्यंत सुंदर है, इस संपूर्ण सृष्टि की सबसे सुंदर देवी है वो। ना जाने कहां से इतना सुंदर सौंदर्य उसने प्राप्त किया है। इस सृष्टि का तो वो सौंदर्य नहीं लग रहा, अवश्य ही कोई पार लौकिक दिव्य सुंदरी यहाँ प्रकट हुई है। वो श्रृंगवेर पर्वत पर स्थित है और हम चाहती हैं कि आप उसका वरण करें। जैसे ही शुंभ निशुंभ ने यही ये सुना तो वही घटना क्रम प्रारंभ हो गया। वासना से पोषित हृदय है कामासक्त होकर आज अब अपने दैत्य धूम्र लोचन को कहते हैं, जाओ जाकर उस दिव्य रूप धारिणी को हमारे समक्ष ले आओ।
उसके समक्ष विवाह प्रस्ताव रखना और उसे ले आओ यहाँ पर। अर्जुन का दैत्य धूम्रलोचन अपने सेना को लेकर उस ओर बढ़ चला, चलता चला जा रहा है और जैसे उस स्थान पर पहुंचा तो आज महादेवी के समक्ष जाकर कहने लगा, हे दिव्य रूप धारिणी, मैं धूम्रलोचन शुंभ और निशुंभ का शूरवीर दैत्य हूँ। मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ आपसे विवाह करना चाहते हैं। हे देवी, मैं आपको यहाँ से लेकर जाने आया हूँ। चलेंगी मेरे साथ? चलिए, मेरे वो दोनों राजा आपके साथ विवाह करेंगे और आपको इस सृष्टि का साम्राज्य प्रदान कर देंगे। आज माता ने जब उसके मुख से ये वचन सुने तो आज माता ने कहा, धूम्रलोचन, तुम अपने स्वामी को जाकर बता दो, शुंभ और निशुंभ को ये बता दो कि जिसका वो वरण करना चाहती है, चाहते हैं, उसने एक संकल्प धारण किया है, उसने ये संकल्प धारण किया है कि वह केवल उससे ही विवाह करेगी जो उसे युद्ध में परास्त करेगा। आज जैसे ही धूम्रलोचन ने यह सुना तो एक बार फिर महादेवी को कहने लगा, महादेवी, आप युद्ध क्यों करना चाहती हैं? हे दिव्य रूप धारिणी, नारियों को युद्ध करना शोभा नहीं देता। आप चलिए, मेरे स्वामी आपका वरण करना चाहते हैं। लेकिन माँ वहां युद्ध ठान कर आई थी। माँ ने कहा, अगर तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। और आज जब माँ ने ऐसा वाहन किया तो धूम्रलोचन, जो धुएं का ऐसा अंधकार प्रकट करने की कला जानता था, आज उसने युद्ध ठान लिया। उसने चारों दिशाओं में अपने धूम्र का संचार किया। उस धूम्र का संचार कर उसने सोचा कि वह दिव्य रूप धारिणी अब विचलित हो जाएगी, समर्पण कर देगी। परंतु आज माँ ने एक बाण का संधान किया और वो समस्त धूम्र जो था, वो धुआं जो था, वो छट गया। और अगले ही क्षण माँ ने अपनी खड़क से धूम्रलोचन का सर धर से अलग कर दिया। यूं वहां पर युद्ध का प्रारंभ हो गया। अब समस्त जो सेना थी वो दौड़ती हुई शुंभ निशुंभ के पास गई। शुंभ निशुंभ को सूचना दी कि धूम्रलोचन का वध उस दिव्य रूप धारिणी ने कर दिया है, वो युद्ध ठान कर आई है। अब शुंभ निशुंभ ने अपने दैत्यों चंड और मुंड को बुलाया, जाओ चंड और मुंड, जाओ, अब तुम जाकर उस कोमलांगी के साथ युद्ध करो, उसे युद्ध में परास्त करो और हमारे समक्ष यहाँ राज्य में लेकर आओ। चंड मुंड आज संपूर्ण सेना को लेकर श्रृंगवेर पर्वत की ओर बढ़ चले, चलते चले जा रहे हैं। और आज जैसे ही श्रृंगवेर पर्वत पर पहुंचे तो चंड और मुंड ने सामयुक्त वचनों से महादेवी को कहा, महादेवी, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, आप तो कोमलांगी है, आप तो नारी है, हम दोनों आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहते, हम तो आपको सम्मान लेने आए हैं। परंतु महादेवी ने कहा, क्या उस दैत्य सेना ने मेरा संकल्प, मेरा प्रण नहीं बताया है? अगर मुझसे विवाह करना चाहते हैं वो चंडर मुंड, तो उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा, युद्ध में मुझे परास्त करना होगा। अगर वो मेरा वरण करना चाहते हैं तो आए और युद्ध करें। अब चंड मुंड ने कहा, ठीक है देवी, अगर आप युद्ध करना चाहती हैं तो हम अपने स्वामी की ओर से आए हैं आपसे युद्ध करने के लिए। अब माँ ने वहां पर अपनी खड़क को हवा में यूं हिलाया और युद्ध की घोषणा कर दी। चंड और मुंड भी अपनी सेना को लेकर वहां पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। तब माँ ने एक दिव्य रूप धारण किया, अपनी शक्तियों को प्रकट करती जा रही है। और आज माँ ने चंड और मुंड के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। एक एक कर उस दैत्य सेना का अंत करती जा रही है। और तब माँ ने अपनी खड़क से चंड और मुंड का भी अंत कर दिया। और तब माँ ने चामुंडा रूप धारण कर दिया। उस समय वो जो सेना शेष बची थी वो पहुंच गई वापस एक बार अपने स्वामियों के समक्ष आवाहन करने, उनके समक्ष ये कहने कि क्या करें अब हम। उस समय चंड और मुंड के बंद के बाद अब शुंभ निशुंभ ने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ सेनापति, जाओ, तुम्हारे समक्ष कोई नहीं टिक सकता, तुम हमारी शक्ति हो, जाओ, जाओ जाकर उस महादेवी के समक्ष, उस दिव्यांगना के समक्ष युद्ध ठानो और उसे युद्ध में परास्त करके यहाँ पर लेकर आओ। आज वहाँ युद्ध छिड़ा है, वहाँ एक एक कर दैत्य सेना का अंत करती जा रही है। और अब जैसे ही माँ का सामना उस शुंभ निशुंभ के सेनापति से होता है, माँ उस पर भी प्रहार
पति जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, हे माँ देवी, तुम युद्ध चाहती हो ना, तो अब मुझ रक्त बीज के साथ युद्ध करो। धूम्र से ध्वस्त हो जाओ, मेरी वो हस्ती नहीं। खड़क से काया मेरी छिन्न भिन्न हो सकती नहीं। अपने हर एक बार से तुम मेरे बल को बढ़ाओगी, मुझ रक्त बीज के समक्ष किसी कीमत पर टिक ना पाओगी। आज जैसे ही माँ ने उस पर प्रहार किया, तो देखते ही देखते उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो गया। अब माँ ने उस रक्त बीज को, जो जोर जोर से हंस रहा है, उसे संबोधित करते हुए कहा, बस रक्त बीज, बस, बहुत अभिमान है अपने बल पर। अब देख कैसे मैं अपनी शक्ति से तेरा भी अंत करती हूँ। आज तेरा अंत करने के लिए मैं स्वयं कल रात्रि रूप धारण कर आऊंगी। कल रात्रि पर तेरे रक्त की एक एक बूंद का खप्पर में भरकर पान कर जाऊंगी। और उस समय जब माँ ने ऐसा ऐलान किया, तो वहां पे एक विचित्र घटना घटती है। चारों ओर अंधकार छा जाता है और वहां माँ एक दिव्य रूप धारण कर लेती है। और उसके बाद जो शुंभ और निशुंभ की शक्ति थी, जब वो रक्त बीज का अंत हुआ, तो उसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी अंत कर दिया। और यूं उस समय में, उस काल में एक बार पुनः अहंकार का मर्दन कर धरा पर शांति की स्थापना की। भक्तों, उस काल में तो उन रक्त बीजों का वध माँ ने कर दिया था, परंतु माँ ने काली का रूप धारण कर जो अहंकार का मर्दन तब किया था, आज भी हमारे समाज में वो रक्त बीज हैं जो पनप रहे हैं। हमने हर गाथा के साथ, हर गाथा को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझा है, जाना है, तो ये लीला जिसे उत्तम चरित्र कहा गया दुर्गा सप्तशती का, आखिर इस लीला के माध्यम से माँ क्या समझाना चाहती है हमें? माँ ने काली रूप क्यों धारण किया और उनके काली रूप की इतनी महिमा क्यों है? भक्तों, वो रक्त बीज कौन था? उस रक्त बीज को ये वरदान था कि उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेगा। ये उसका अंत असंभव था। एक चेन रिएक्शन की तरह वो रक्त बीज बढ़ते थे, एक चेन रिएक्शन की तरह। आज भी हमारे समाज में बहुत से रक्त बीज पनप रहे हैं। यही कारण है कि हमारे समाज में शांति की स्थापना नहीं हो पा रही। प्रयास बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन रक्त बीजों का अंत हम नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे, कौन से रक्त बीज पनप रहे हैं आज? रक्त बीज का जो गुण है, उसे समझने का प्रयास कीजिए। कौन है ऐसा, क्या है ऐसा जो आज हमारे समाज में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे रक्त बीज मल्टीप्लाई होते थे? क्या सोच पा रहे हैं? चलिए मैं आपकी थोड़ी सहायता करती हूं। याद कीजिए 9/11 के उस हमले को, 9/11 का वो हमला, 9/11 क्या हुआ था? अमेरिका के कुछ प्लेन्स को हाईजैक किया और उन हाईजैकर्स ने कुछ घंटों में उन प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उनको कोलाइड कर दिया। देखते ही देखते वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स हो गया, असंख्य लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए और पूरे विश्व ने जब उस दृश्य को टेलीविजन पर देखा, तो चाहे वो कोई अमेरिका में बैठा हो, भारत में बैठा हो या कहीं और बैठा हो, उस दृश्य को देखकर ही किस भावना का संचार हुआ? आतंक का संचार हो गया। उन आतंकवादियों ने बैठे एक जगह एक घटना को आकार दिया और पूरे विश्व में आतंक का संचार कर दिया, भय का संचार कर दिया। याद कीजिए 26/11 की उस घटना को, क्या हुआ था? मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, हस्ती खेलती वो मुंबई, उसमें सीरियल ब्लास्ट हुए और फिर उसके बाद मृत्यु का, हत्या का एक ऐसा निर्मम दृश्य पूरे विश्व ने टेलीविजन पर बैठकर देखा जब,
तो उसके बाद ऐसा भय का संचार हुआ कि लोग घर से बाहर निकलने पर डरने लगे। ये तो कुछ इंसिडेंसेस हैं, लेकिन आज तो हमारे समाज में हर मोमेंट ये डर बना रहता है कि कहीं कोई दंगा फसाद हो गया, कहीं कोई गाड़ी जला दी, कहीं कोई बस जला दी, कहीं पर कुछ हो गया, वायलेंस आतंक का विस्तार हो रहा है। वो समय और था जब कुछ निर्धारित गुट ही इस काम को करते थे, उन गुटों की पहचान की जाती थी। आतंकवाद नया नहीं है, प्राचीन काल में भी था। ऐसे डाकू थे, ऐसे लोग थे जो एक वेशभूषा को धारण करके आते थे और उनकी वेशभूषा से पता चल जाता था। चंबल घाटी थी, वहां पर जाने से लोग डरते थे, लेकिन आज समय के बहाव में इस आतंकवाद का रूप ऐसा बदला है कि हम इसे किसी वेशभूषा के साथ, किसी जगह के साथ बांध के नहीं रख सकते, किसी गुट के साथ बांध के भी नहीं रख सकते। वो आतंकवादी हमारे ही समाज में हमारे जैसे दिखने वाले पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं। पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़ी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरेट की है, कंप्यूटर साइंस जानते हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं, उन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं और कहां गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। यूं 9/11 के बाद हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि जो आतंकवादी हमले हैं वो 4 गुना बढ़ गए हैं। ये तो मैं आपको पुराने आंकड़े बता रही हूं, अगर लेटेस्ट आंकड़े देखें तो आज ये बताया जाता है कि वो आतंकवादी हमले लगभग 6 गुना बढ़ चुके हैं और हर बीते दिन के साथ वो बढ़ते जा रहे हैं। उस आतंकवाद को रोकने के लिए विश्व के सारे देश, गवर्नमेंट्स, सारे लोग, यूनाइटेड नेशंस, ये सब लोग कार्य कर रहे हैं, करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, परंतु जैसे जैसे कार्य बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये आतंकवादी हमले भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन आतंकवादियों की भी प्रवृत्ति ठीक वैसी है जैसे उस रक्त बीज की थी। अपनी हर एक बूंद से बढ़ जाते हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करो, 10 ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो जाती हैं। आप एक आतंकवाद को विस्तार करने वाले व्यक्ति को पकड़ो, उसको जेल में करो, तो 10 आतंकवादी खड़े हो जाते हैं। इस तरह से ये आतंकवाद जो है ये अब कोई एक फिजिकल फिनोमेना नहीं रहा, ये आतंकवाद एक मानसिक स्तर पर काम कर रहा है और मानसिक रूप में बढ़ता चला जा रहा है। भक्तों, इस आतंकवाद को के कारण ही हमारे समाज में आज अलगाव पैदा हो गया है। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आतंकवाद कैसा है, ये आतंकवाद ऐसा है जैसे एक मानव की देह में कैंसर होता है। जैसे एक मानव की देह में अगर कैंसर हो जाए तो वो उसे मृत्यु की कगार पर ले जाता है, वैसे ही जिस समाज में आतंकवाद पनपता है वो भी अपने विनाश की ओर बढ़ जाता है। तो अब क्या करें, बाहर के तो सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, क्या कहीं कोई समाधान है, क्या कहीं कोई समाधान है? है समाधान, है भारतीय संस्कृति के पास समाधान है, भारत के अध्यात्म विदों के पास हर समस्या का समाधान था। ये अलग बात है कि आज हम अपनी संस्कृति से दूर हुए, हम अपने शास्त्र ग्रंथों को समझना भूल गए, वो आंख हमारे पास नहीं रही, वो विवेक हमारे पास नहीं रहा जिससे उन शास्त्र ग्रंथों के विज्ञान को प्रकट किया जाता था। भले ही बाहर से कोई समाधान नहीं मिल रहा, लेकिन माता कालिका का ये स्वरूप वो महासमाधान है। लेकिन उस महासमाधान को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये आतंकवाद पनपता कैसे है और वो आतंकवाद जानते हैं कैसे पनपता है। जो कैंसर है ना, जो कैंसर है वो कैंसर जैसे पनपता है मानव की देह में, उसे समझते हैं। कैंसर 4 स्टेजेस में फैलता है, 4 स्टेजेस होती है कैंसर की। जो पहली स्टेज होती है उसमें मानव की देह के भीतर ही उसकी कुछ कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में एक काम रोज होता है, बहुत सारी नए नए सेल्स बनते हैं, बहुत सारी नई नई कोशिकाएं बनती हैं, और जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हें हमारा ही देह, उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो उसको खत्म कर देती है।
लेकिन जब मानव की प्रतिरोधक क्षमता, जब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तब उसके भीतर की प्रतिरोधक क्षमता जब कम हुई तो वो सेल्स जो खत्म होने चाहिए थे, उन्हें खत्म करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वो देह के किसी काम की नहीं है, वो लो एनर्जी के हो गए हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना आवश्यक था, टॉक्सिक है वो अब। लेकिन जब प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो वो सेल्स खत्म नहीं होते, वो बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं फिर अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी उनको खत्म करना उतना ही कठिन होगा। जैसे जैसे वो संख्या बढ़ाते हैं, पहली स्टेज का कैंसर मानव की देह में हो जाता है। ऐसे ही फैलता है हमारे समाज में आतंकवाद। जब हमारे समाज की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, समाज की प्रतिरोधक क्षमता क्या है, समाज का संगठन, समाज में प्रेम, सौहार्द, एकता, भाईचारा, हार्मनी, ये उसकी प्रतिरोधक क्षमता है। आपस में जितना एकत्व होगा उतना ही कठिन होगा किसी का आकर बिखेरना समाज को, किसी का आकर दूषित करना समाज को। लेकिन जब आपस में मतभेद पनपते हैं, जब मन मुटाव होता है, जब अलगाव होता है, तो फिर इसी समाज में रहने वाले कुछ लोग जिनके भीतर द्रोह पनप रहा है, जिनकी भावनाएं खिन हुई है स्वार्थ से पोषित होकर, वह अपनी विचारधारा को, वो अपने उस द्रोह को मल्टीप्लाई करने लगते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को उसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और समाज की देह में पैदा हो जाते हैं आतंकवाद का विस्तार करने वाले आतंकवादी मास्टरमाइंड्स। उनकी पर्सनल एंग्विश थी, उनके साथ पर्सनली कुछ गलत हुआ था जिससे वो उभर नहीं पाए, जिसको वो डिसॉल्व नहीं कर पाए, उस समय उनको प्रेम नहीं मिला, और नतीजा क्या हुआ, उनकी वो जो अलगाववादी मानसिकता थी उसको ले करके उनसे मल्टीप्लाई करने लगे, और जन्म दे दिया उन्होंने आतंकवाद को समाज में। पहली स्टेज का आतंकवाद पनपने लगा। कैंसर की दूसरी स्टेज क्या है? दूसरी स्टेज में वही कैंसर जो है, वो कैंसर सेल्स जो मल्टीप्लाई हुए थे, अब वो क्या करते हैं, उन्हें सर्वाइव करना है बॉडी में, और सर्वाइवल के लिए उन्हें दो चीजें चाहिए, उन्हें चाहिए रक्त और उन्हें चाहिए खाना, उन्हें रक्त और खाना ये दोनों चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो हाईजैक कर लेते हैं उस अंग को, जिस अंग में वो सेल्स, वो कोशिकाएं पनप रही हैं, उसे हाईजैक कर लेती हैं, उसके खाने की सप्लाई, उसके रक्त की सप्लाई उसे हाईजैक करके अपने पोषण के लिए मोड़ लेती है, और देह का जो कैंसर है वो दूसरी स्टेज में पहुंच जाता है। अब आपका वो अंग जो है वो खराब होने लगता है। ऐसे ही आतंकवाद अपनी दूसरी स्टेज में पहुंचा है। आतंकवादियों के लिए उनका खाना और उनकी रक्त की सप्लाई क्या है, आतंकवाद का विस्तार करने के लिए लोगों को डराना होगा, लोगों को डराने के लिए आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना होगा।